मिलिकन, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। यार अब ना सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये सब चीजें ना आपके एनसीईआरटी में गिवन है एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू रीड योर एनसीईआरटी, राइट। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट भी आप अगर देखेंगे तो एक बॉक्स में आपको गिवन है, उसको भी पढ़ो, समझो यहां से और फिर वहां से पढ़ो, ठीक है? परफेक्ट। तो चलो यार अब हम स्टार्ट करेंगे। अब मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में क्या था, लेट अस मेक अ बॉक्स, ठीक है? इतना इंटरेस्टिंग है ना ये वाला पार्ट, तो ये मेरा फेवरेट पार्ट है, राइट। अब इसमें क्या होता है दैट इस तरह का एक बॉक्स उन्होंने लिया, ठीक है? अब उसके अंदर उन्होंने क्या किया, दो चार्ज्ड प्लेट्स लिए, एक प्लेट है ये और ये है दूसरी प्लेट, ठीक है? अब जब उन्होंने ये चार्ज्ड प्लेट्स ली तो उन्होंने बोला कि ये जो प्लेट है ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, नेगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है? तो मैं यहाँ माइनस लिख रही हूँ। और अगर उन्होंने इसको देखा और उन्होंने कहा ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है, राइट। अब उन्होंने क्या किया, जो ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट थी उसके बीच में एक छोटा सा होल कर दिया, ठीक है? अब यहां से क्या हुआ, यहां पर उन्होंने एक्सरेस, यहां से उन्होंने एक्सरेस दी, ठीक है? और यहां पर क्या था, एक एटोमाइजर डाला, ये है क्या है एटोमाइजर, समझो आप, ठीक है? स्प्रे करते हैं ना, आजकल तो सब सैनिटाइज कर रहे हैं, राइट। हम सैनिटाइज करते हैं तो हम स्प्रे करते हैं, तो क्या होता है जब भी हम स्प्रे करते हैं तो इस तरह से ड्रॉपलेट्स 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 बाहर आती हैं, है ना? यस। तो वही उन्होंने यहाँ पर एटोमाइजर यूज किया, एक स्प्रे यूज किया, ठीक है? अब उसके अंदर यहाँ पर इन्होंने ऑयल लिया, ऑयल था, सैनिटाइजर नहीं था, ठीक है? तो अब उन्होंने ऑयल ले लिया और इस ऑयल से उन्होंने इस तरह से स्प्रे किया, तो मेरे पूरे इसके अंदर क्या आ गया, ऑयल ड्रॉपलेट्स आ गए, ठीक है? छोटे 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 ऑयल ड्रॉपलेट्स आ गए। अब क्या हुआ, जो ये जो छोटा सा छेद किया ना, बहुत स्मार्ट थे उन्होंने, ये छेद इस तरह से किया कि सिर्फ और सिर्फ एक ड्रॉपलेट ही यहाँ पर आई, ठीक है? बाकी नहीं, सिर्फ एक ऑयल ड्रॉपलेट जो है वो यहाँ पर आ गई। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, स्प्रे किया, स्प्रे से ऑयल ड्रॉपलेट्स यहाँ पर आई और यहाँ से सिर्फ एक ऑयल ड्रॉपलेट अंदर आ गई, ठीक है? अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो फिर उन्होंने क्या किया, एक्सरेज जो होती है ना बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती हैं और ये क्या करती हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को अलग कर देती हैं, आयनाइज कर देती हैं, ठीक है? तो यानी कि बेसिकली उन्होंने यहाँ पर क्या किया, दैट जो भी चीजें यहाँ पर प्रेजेंट थी, जो भी गैस थोड़ी बहुत प्रेजेंट थी, उसको क्या किया, जैसे हमने हाई वोल्टेज से आयनाइज किया था ना गैसेस को, सेम उसी तरह से यहाँ पर एक्सरेज डाल के आयनाइज कर दिया, ठीक है? अब जैसे ही इन्होंने आयनाइज किया तो छोटे छोटे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स 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 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। लेट अस से कि मान लो कोई भी एक पर्टिकुलर गैस होगी, H2 गैस भी हो सकती है, CO2 गैस भी हो सकती है, CO2 गैस भी हो सकती है, है ना? तो अब उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने आयनाइज किया तो जो इलेक्ट्रॉन्स थे, है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ऑयल क्या करता है, अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो जाकर इसके ऊपर चिपक गए। अगर मैं आपको बेटर पिक्चर दिखाऊं तो लेट अस से कि ये मेरी ऑयल ड्रॉपलेट थी, तो इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो यहां पर इस तरह से इसके अराउंड चिपक गए, क्लियर है? तो ये मैग्निफाइड पिक्चर है इस ऑयल ड्रॉपलेट। तो अब ये ऑयल ड्रॉपलेट क्या हो गया, मैं कह सकती हूँ कि ये नेगेटिवली चार्ज हो गई। तो अब मेरी जो ऑयल ड्रॉपलेट थी वो नेगेटिवली चार्ज हो गई, ठीक है? ये जो नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट है, जल्दी से सोचो, अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो यार नेगेटिवली चार्ज चीज को ये तो रिपेल करेगा ना, राइट? यस। तो ओके, मैम ने एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बॉट ली थी और यहाँ पर नेगेटिव लिया था, ठीक है? ठीक है, ओके। अब क्या हुआ, ध्यान से देखो यार, अब क्या हुआ कि बेसिकली
ये मैंने यहाँ पे बोल दिया कि ये पॉजिटिवली चार्ज थी और ये नेगेटिवली चार्ज थी, क्यों बोला अभी समझना, उसने भी मेरी तरह गलती की होगी ऑब्वियसली, मिलिकन उसने नहीं बोल सकते, वी शुड गिव देम रिस्पेक्ट। मिलिकन सर ने क्या किया, मिलिकन सर ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया होगा तो मेरी तरह उन्होंने भी ये मिस्टेक की होगी कि इस तरह से भी लेकर रखा होगा और इस तरह से भी, हर तरह से परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगाए होंगे, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या किया, ऊपर पॉजिटिवली चार्ज प्लेट रखी और जब नीचे नेगेटिवली चार्ज प्लेट रखी तब क्या हुआ, ठीक है। और मैं बताऊंगी कि अगर पहला वाला केस लेते तो क्या होता, पहले करेक्ट वाला बता दूं। तो अब ये नेगेटिवली चार्ज है, अगर ये नेगेटिवली चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगी, यानी कि अगर मैं देखूं तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये जो है वो ऊपर जाना चाहेगी, ये ऊपर जाएगी, राइट, और ये इसको रिपेल करेगा, राइट, परफेक्ट। अब अगर आप देखोगे तो इसका कुछ मास होगा, इसका कुछ मास होगा इस ऑयल ड्रॉपलेट का, और आपको पता है कि किसी भी चीज़ का जब मास होता है तो वो फोर्स mg लगती है, मास इनटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यस। तो ये जो फोर्स लग रही होगी वो यहाँ पर इस तरह से mg फोर्स लग रही होगी, राइट। अगर आपको चार्ज पता है, अगर आपको यहाँ पर इसका चार्ज पता है तो फोर्स होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये हो जाता है Q इंटू E, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की हुई होगी, राइट, वो इंटू Q इज चार्ज, ठीक है। यानी कि मैं कह सकती हूँ दैट ऊपर जो फोर्स लग रही है वो Q इंटू E लग रही है। अब उन्होंने ना बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड्स के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज यूज की और एक ऐसी वैल्यू आई जहां पर ये जो ऑयल ड्रॉपलेट था वो क्या हो गया, एकदम हवा में लटक गया। हवा में कब लटकती है कोई चीज, जब ऊपर भी फोर्स सेम लग रही हो, जब नीचे भी सेम लग रही हो, टग ऑफ वॉर जब हम खेलते हैं तो बीच में कब रहता है, जब इधर भी फोर्स सेम लगे और उधर भी फोर्स सेम लगे, अगर इधर ज्यादा लग रही है तो वो इधर आ जाएगा, यानी कि जब तक mg ज्यादा होगी वो नीचे आ रही थी, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा ले रहे थे तो ऑयल ड्रॉपलेट ऊपर जा रही थी। पर एक पॉइंट ऐसा आया जब दोनों इक्वल हो गए और अब मेरी ऑयल ड्रॉपलेट हवा में उड़ रही है, क्योंकि उसके ऊपर भी फोर्स सेम लग रही है, नीचे भी फोर्स सेम लग रही है, तो यहां पर मैं क्या कह सकती हूँ दैट दोनों फोर्सेस तो सेम हो गई ना, यस yes, तो यानी कि यहां से हम कह सकते हैं दैट जो mg है वो qe के इक्वल हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो खुद लगा रहे थे मिलिकन, यानी कि उनको पता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, यस yes, तो ये वैल्यू उनको पता थी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबको पता होता है और मास तो ऑयल ड्रॉपलेट का सबको पता ही है, राइट तो यानी कि अच्छा नहीं मास थोड़ी पता होगा, राइट। अब यहां से क्या हुआ दैट क्यू बाय एम जो वैल्यू है वो जी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, मास भी उनको नहीं पता अभी क्योंकि पता नहीं कितने इलेक्ट्रॉन्स लगे हैं, ये भी बात सही है ना। तो बेसिकली यहां से उनको क्या मिल गया, क्यू बाय एम रेशियो उनको मिला, क्यू ग्रेविटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये दोनों वैल्यूज उनको पता थी, तो यानी कि ये क्या हो गया, चार्ज टू मास रेशियो हो गया। इतना समझ आया, उन्होंने क्या किया यहां से एटोमाइजर से ऑयल ड्रॉपलेट्स डाले, इस तरह से डाले कि सिर्फ एक ऑयल ड्रॉपलेट यहाँ आया। अब उन्होंने यहाँ से एक्सरे डाली तो जो भी गैस थी उसके इलेक्ट्रॉन वो आयनाइज हो गई और उसके इलेक्ट्रॉन्स जाके इस ऑयल ड्रॉपलेट पे चिपक गए। जैसे ही चिपके अब फोर्स नीचे उसको ला रही थी, उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दी, इलेक्ट्रिक फील्ड डालने से क्या हुआ कि ऊपर भी उतनी ही फोर्स लगने लगी, राइट, और इवेंचुअली क्या हुआ कि दोनों इक्वल हो गई और ऑयल ड्रॉपलेट हवा में लटक गई। यानी कि उन्होंने कहा कि भाई यहां पर मेरा जो mg है दैट इज इक्वल टू q इनटू e, राइट, और यहां से उन्होंने चार्ज टू मास रेशियो निकाल लिया g बाय e, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो खुद अप्लाई कर रहे थे तो उन्हें पता था कितना है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर किसी को पता है कितना है, तो इस तरह से उन्होंने चार्ज टू मास रेशियो फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब यहां पर जैसे ही उन्होंने चार्ज टू मास रेशियो फाइंड आउट किया, फिर उन्होंने कहा कि यार मास भी तो मुझे गैस का पता ही होता है, राइट, कौन सी गैस मैं यूज कर रही हूं, क्या मुझे उसका मास नहीं पता होगा, बिल्कुल पता होगा। तो यानी कि यहां से मैं क्या कह सकती हूं दैट जो q की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, g बाय e इनटू मास। तो यहां से उन्होंने चार्ज भी फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, यहां से उन्होंने चार्ज भी फाइंड आउट कर लिया, राइट। तो इस तरीके से उन्होंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज फाइंड आउट कर लिया। अब उन्होंने देखा कि जो चार्ज है वो हर बार डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, लेकिन
हर बार इंटीग्रल मल्टीपल आ रहा है एक पर्टिकुलर वैल्यू का, यानी कि क्यों आप देख सकते हो ना यार, इलेक्ट्रॉन एक भी हो सकता था इसके ऊपर चिपका हुआ, दो इलेक्ट्रॉन भी हो सकते थे, तीन भी हो सकते थे, यानी कि क्यों तो मेरा n इंटू इलेक्ट्रॉन है ना, क्यों तो मेरा n इंटू इलेक्ट्रॉन है, राइट? यस, तो अगर मेरे को चार्ज पता चल गया और मैं बहुत सारी कैलकुलेशंस करूं, कभी यहाँ पर H2 गैस लेके करूं, कभी मैं O2 लेके करूं, तो उनकी किस्मत में कभी ना कभी तो ऐसा आया हुआ होगा कि ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन अटैच हुआ हो, और फिर इस तरह से उन्होंने मिनिमम क्यू की जो वैल्यू आ रही थी वो फाइंड आउट कर ली, जो सबसे कम आ रही थी। तो सबसे कम वैल्यू क्या आई उनकी, सबसे कम वैल्यू आई उनकी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, विच इज 1.6×10⁻¹⁹ कूलॉम्ब। ये वैल्यू सबसे कम आई, और हर बार जो क्यू की वैल्यू आ रही थी वो हमेशा इस वैल्यू का कोई ना कोई मल्टीपल आ रही थी, हर बार किसी वैल्यू का कोई ना कोई मल्टीपल आ रही थी, राइट? तो यानी कि उन्होंने कहा कि जो मिनिमम वैल्यू है यही मेरे इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। उन्होंने क्या कहा, दैट जो मिनिमम वैल्यू आई है और बाकी सब इसी के मल्टीपल्स आ रहे हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज यही है। तो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिला, राइट? याद है थॉमसन के मॉडल से मुझे E/m रेशियो मिला था, राइट? E/m रेशियो मुझे पता था, जिसमें से E मेरे को अब पता लग गया, तो क्या मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकती हूँ? यस, यानी कि थॉमसन का मॉडल और मिलिकन का मॉडल अगर हम एक साथ यूज करें तो फिर आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था आपका मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जहां पर आपने इलेक्ट्रॉन का चार्ज फाइंड आउट किया। उन्होंने एनालाइज किया कि हर बार जो चार्ज आ रहा था दैट वाज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सम पर्टिकुलर वैल्यू, और वो वैल्यू जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आई उनकी दैट वॉज 1.6×10⁻¹⁹ कूलॉम्ब, राइट? परफेक्ट। तो ये सब चीजें आप अपने पास लिख सकते हैं, उसके बाद में मैं आपको पॉइंट्स में भी ये चीजें लिखवा दूंगी, पॉइंट्स में भी हम ये वैल्यू लिख लेते हैं। ओके, चलिए अब हो गया है, अब हम पॉइंट्स में लिख लेते हैं, ठीक है? क्या पॉइंट्स में लिखेंगे, सबसे पहले देखो यार, जब आप अपने एनसीईआरटी में भी देखोगे तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखे होंगे। जो मेन चीज थी मैं वो बता देती हूँ, दैट ही फाउंड आउट दैट द चार्ज एवरी टाइम केम आउट एज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू, राइट? सेकेंड पॉइंट लिखो, ही देन कैलकुलेटेड द स्मॉलेस्ट वैल्यू, द मिनिमम वैल्यू इज अ बेटर वर्ड, ही देन कैलकुलेटेड द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज विच वॉज इक्वल टू 1.6×10⁻¹⁹ कूलॉम्ब, विच वॉज इक्वल टू 1.6×10⁻¹⁹ कूलॉम्ब, राइट? Yes, and −19 coulombs, and then he said that this is the charge on one electron. तो charge on one electron आ गया −1.6×10⁻¹⁹ coulombs. 1.6×10⁻¹⁹ कूलॉम्ब, राइट?